आखिर सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती सरकार है, सरकार बता दी शोषण दोहन शोषण होता रहे, यही हमें माननीय मंत्री महोदय उल्लेखनीय है कि निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालय के प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। निजी विद्यालयों के संचालन हेतु संसाधन आंतरिक स्रोत से उपलब्ध होता है। इनके शुल्क के नियंत्रण हेतु बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 प्रभावी है। महोदय जहां तक सरकारी स्कूल की बात है, सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है एवं निजी विद्यालयों में शुल्क का निर्धारण की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से की जाती है। महोदय हम उनके शुल्क पर नियंत्रण तो रखते हैं लेकिन उनका माफी मतलब वो बिल्कुल माफ कर देना इसके बारे में कोई नियम के तहत सरकार को अभी ये अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य कह रहे तब देखेंगे। ये पूरे बिहार का मामला है, किसी एक विद्यालय का मामला नहीं है। निजी विद्यालय ये कोरोना काल में बंद था और उस कोरोना काल का भी पैसा वसूला जा रहा है अभिभावकों के द्वारा, अभिभावकों से। तो क्या माननीय मंत्री अभिभावकों से वसूल किए गए फीस को वापस कराने हेतु सरकार का क्या क्या योजना है? माननीय मंत्री महोदय जैसा कि हमने बताया अभी जो नियम है उसके तहत सरकार को निजी विद्यालयों के प्रबंधन से अभिभावकों से वसूली गई फीस की राशि वसूलने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए महोदय हमने कहा है कि जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं हम समझते हैं कि पूरे सदन की भी भावना यही होगी कि अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो फीस नहीं लगना चाहिए। वैसे जो संबंधित विद्यालय हैं वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई से लेके अलग चीजों का हवाला देते हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न आया तो हमने इस विषय में तहकीकात की थी लेकिन वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई से लेके अलग अलग चीजों का जिक्र करते हैं लेकिन यह बात सही है कि यह पूरे राज्य से संबंधित प्रश्न है। जो इसमें अभिभावक जिनके बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके हित में प्रश्न है, इसलिए सरकार हम लोग महोदय देखेंगे कि इसमें सरकार की तरफ से क्या किया जा सकता है, ये हम लोग जरूर देखेंगे। जब निजी विद्यालय मनमानी करती है तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी क्या? पूरक क्या है? पूरक हम पहले तो बता दें, निजी विद्यालय के लिए कोई नीति है क्या? यही है ना, निजी विद्यालय को मैंने को केवल साथ सरकार दे रही है कि पब्लिक को दोहन शोषण करे? पूरक पूछिए, पूरक डायरेक्ट पूछिए, समय कम है कि आखिर सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती सरकार है? सरकार बता दी शोषण दोहन शोषण होता रहे, यही हमें। माननीय मंत्री महोदय जहां तक माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र जी ने कहा है कि सरकार क्या चाहती है तो महोदय यह वर्तमान सरकार की ही देन है कि आज तक निजी विद्यालयों में शुल्क हो उसके विनियमन के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। यह वर्तमान सरकार की ही उपलब्धि है कि हम लोगों ने 2019 में महोदय ये नियम बनाया है। हालांकि उसके तहत मनमाने ढंग से फीस बढ़ाना जिसकी शिकायत बराबर आती थी कि वो लोग फीस बढ़ा के रखते हैं फिर अचानक से किसी साल मनमाने ढंग से बढ़ा देते हैं तो ये चीज शुरू से होता आ रहा है। लेकिन महोदय यह वर्तमान सरकार की ही उपलब्धि है कि मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर नियंत्रण करने के लिए हम लोगों ने वो विनियमन कानून बनाया है और अभी
अभी अभी महोदय ये तो ये महोदय 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 माननीय मंत्री जी नहीं समय नहीं लास्ट सिविल ये 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 का नहीं है महोदय माननीय तो गार्जियन परेशान है महोदय हम माननीय मंत्री जी से इतना ही कहते हैं कोई आप नियम बना के गोविंद काल के जो जो माननीय महोदय महोदय इसीलिए तो हमने कहा है केवल अरे इसीलिए तो काल नहीं है जो आप कोई कड़ा कानून लगा के गार्जियन को राहत देना चाहते हैं या नहीं महोदय इसीलिए तो हमने कहा है कि ये कोविड काल के विशेष परिस्थिति का मामला है इसलिए इसको विशेष रूप से देखिए देख लिया यही तो हमने कहा है।